Hey guys, welcome back to this channel and in today's video मैं आपके साथ share करने वाली हूँ how to make neem hair oil at home. Now neem hair oil के benefits मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है because almost every one of us know that neem hair oil हमारे hair के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है because its medicinal properties and इसके antibacterial गुण and so on. एंड आप नीम हेयर ऑयल मार्केट से भी परचेज कर सकते हो बट मार्केट बॉट नीम हेयर ऑयल 110% नीम हेयर ऑयल है एंड विदाउट एनी पैराबिन है मिनरल ऑयल है एंड सो ऑन है कितना प्योर है आप उसके लिए श्योर नहीं हो सकते हो पैराबिन फ्री मिनरल ऑयल फ्री एंड इस काइंड ऑफ क्वालिटीज के जो हेयर ऑयल होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं बहुत लोगों के लिए सो आई सजेस्ट यू दैट आप इसे आप घर पर बनाइए सो दैट ये प्योर भी हो अफोर्डेबल भी हो एंड यू नो दैट आपने क्या पुट किया है अपने हेयर ऑयल में So let's get started with the video. Homemade neem hair oil prepare करने के लिए first of all हमें चाहिए neem leaf. So मैंने इतना सा neem leaf लिया है and इससे करीबन मैं एक छोटी सी बॉटल में मैं prepare कर पाऊँगी So इतना सा मैंने neem leaf लिया है जैसा कि आप देख पा रहे हो it's around 20 to 30 neem leaf है अगर count किया जाए तो उसके बाद हमें चाहिए होगा hair oil कोई भी base hair oil and आप इसके लिए almond oil use कर सकते हो coconut oil use कर सकते हो jojoba oil use कर सकते हो any light hair oil जो कि pure हो एंड मुझे कोकोनट हेयर ऑयल सूट नहीं करता है दैट्स वाई मैं आमंड हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ दिस इज़ इन द प्योर फॉर्म एंड ये मैं रोगन बादाम शीरिंग का आमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो किसी भी ब्रांड से यूज़ कर सकते हो आपका प्योर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो बट मेक श्योर वो हेयर ऑयल बहुत ही ज़्यादा प्योर है आपको सूट करता है एंड दैट्स इट बिकॉज अगर आपका बेस हेयर ऑयल बहुत ही प्योर नहीं होगा अच्छा नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपका नीम हेयर ऑयल भी बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म नहीं हो पाएगा एंड सेकेंडली आपका बेस हेयर ऑयल आपके स्कैल्प एंड हेयर को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सूट करता हो सो दैट आपका नीम हेयर ऑयल के बेनिफिट्स आपके स्कैल्प एंड हेयर के लिए इंक्रीज हो जाए तो हमें कोई सा भी पैन लेना है एंड उसमें हेयर ऑयल डाल देना है एंड आफ्टर दैट एकदम लो फ्लेम पे हमें उसे गैस पे चढ़ाना है एकदम लो फ्लेम नो मीडियम फ्लेम नो हाई फ्लेम वरना ऑयल के बेनिफिट जो है वो ख़राब हो जाएंगे यू कैन ऑल्सो डू डबल बॉयलर प्रोसेस बट वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट डबल बॉयलर प्रोसेस इज़ द बेस्ट बिकॉज डबल बॉयलर प्रोसेस से हमारे हेयर ऑयल पे डायरेक्ट फ्लेम नहीं लगता है हीट नहीं लगता है उससे जो हेयर ऑयल का जो गुण है बेनिफिट्स है वो इंटैक्ट रहता है सो ऑयल को धीमी आंच पे गैस पे चढ़ाने के बाद हम इस तरह से नीम के जो लीव्स है उसमें डाल देंगे उसे मैंने नीम के लीफ को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था एंड ड्राई कर लिया था एंड आफ्टर डैट मैंने इसमें डाला था मेक श्योर आपने नीम लीफ को वॉश कर लिया सो दैट उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल्स ना रहे जब आप उसे ऑयल में डालते हो एंड सेकेंडली नीम लीफ जो वॉश करने के बाद कम्प्लीटली ड्राई रहे अदरवाइज ऑयल में डालने के बाद बहुत ज़्यादा छींटे पड़ेंगे एंड दैट इज़ नॉट गुड एंड आफ्टर दैट थोड़ी देर के बाद आप नोटिस करोगे दैट हेयर ऑयल का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया है नीम लीफ पूरा ऑलमोस्ट येलोइश हो गया जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में एंड यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी एंड वेट करूंगी इसे कम्प्लीटली ठंडा हो जाने तक बाय दैट टाइम मैं अपने नीम हेयर ऑयल के लिए कंटेनर रेडी रखूंगी विच इज़ क्लीन एंड ड्राई एंड मैंने एक ड्रॉपर काइंड ऑफ बॉटल लिया है आप चाहो तो किसी और टाइप का बॉटल ले सकते हो जो भी आपके पास हो कन्वीनियंट हो ईजी हो एंड अवेलेबल हो नीम हेयर ऑयल को कम्प्लीटली कूल हो जाने के बाद ठंडा हो जाने के बाद इस तरीके से मैं छान लूँगी ड्रेन कर लूँगी इन अ बोल एंड यू कैन सी इसका कलर कंसिस्टेंसी थोड़ा सा चेंज हो गया थोड़ा थिक हो गया एंड कलर इज़ ग्रीन बिकॉज ऑफ नीम लीव्स वैसे तो इस हेयर ऑयल से ऐसी कोई भी स्मेल नहीं आएगी आफ्टर प्रिपेयरिंग जो कि आपको बॉदर कर सकता है या इरिटेट कर सकता है अप्लाई करने के टाइम या फिर अप्लाई करने के बाद आप अपने हेयर में जब इसे रखते हो एक दो घंटे के लिए बट आप चाहो तो इसमें एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बट दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस एंड ऑप्शनल एंड डिपेंड अपॉन योर प्रेफरेंस एंड लाइकिंग आफ्टर दैट मैं अपने नीम हेयर ऑयल को इस कंटेनर में ट्रांसफर कर लूँगी बट उसके नीचे मैंने एक वाइट बोल रखा है एंड देन मैं उसमें यूज़ कर रही हूँ बिकॉज जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा गिरेगा एंड मैं कैमरा के सामने कर रही हूँ तो मेरा टेबल पूरा मेस हो सकता है सो मेक श्योर दैट आप थोड़ा अच्छे से इसे ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने कंटेनर में एंड इतना सा थोड़ा ज़्यादा हेयर ऑयल हो गया है सो इसे मैं दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लूँगी एंड आफ्टर दैट आई विल क्लोज द लिड्स एंड वल्ला हमारा होममेड हेयर ऑयल रेडी है नीम हेयर ऑयल जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके स्कैल्प के लिए आपके हेयर के लिए डैंड्रफ प्रॉब्लम्स स्कैल्प इचनेस हेयर ग्रोथ एंड सो ऑन
एंड आप इस होममेड नीम हेयर ऑयल को एक महीने के लिए रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हो सो दैट आपको बार बार अगेन एंड अगेन प्रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े एंड लेंथी प्रोसेस ना हो जाए आपके लिए आपके हेयर ऑयलिंग रूटीन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो एंड आपको अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर लीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इफ यू आर न्यू एंड वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड बेल बटन को भी हिट कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइज़।